वंदे भारत माता की, शहीद राजेश कुमार, राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज एक बार फिर उस भूमि के ऊपर, जिस मातृभूमि के साथ साथ सैनिकों ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के युवाओं ने शहादतें दी हैं, एक शहीद राजेश कुमार जो 8/8/2022 को शहादत को प्राप्त हुए थे, और उनकी समाधि स्थल के लिए आज हवन यज्ञ किया गया, भूमि पूजन किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ जो स्कूल के बच्चे हैं पूरे जोश के साथ जयकारे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ गांव के गणमान्य व्यक्ति, गांव के चारों सरपंच, डॉक्टर साहब के लांबा जी, भाई तकदीर खरगड़ा जी, पूर्व सरपंच मनोज लाव जी, और हमारी मातृशक्ति, नमन है इस मातृशक्ति को भी जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जो हंसते हंसते बलिदान हो जाते हैं इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। तो आज भूमि पूजन किया गया है, बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आज भूमि पूजन किया गया, शहीद लगातार अपने बलिदान दे रहे हैं। कल भी एक लड़का गांव गद्दी खेड़ी से, अंकित कुंडू, शहादत को प्राप्त हुआ है। शहीदों की धरती, नमन करते हैं इस धरती को। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे विषय में? मैं सबसे पहले बलम्बा गांव को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक पावन धरती को, एक पावन कार्य के लिए जो हमारे देश के लिए शहीद हुआ है, उसको एक शिक्षा की भूमि उसके लिए चयनित की गई है। ये मुझे बहुत ही अच्छा पल लगा कि भाई ये वास्तव में यहाँ संभाल की ज़रूरत होती है शहीदों को, न कि कहाँ कहीं कहीं इधर उधर वो खड़े कर देते हैं। हम कई बार शहीदों का स्टैचू, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। जितनी शोभा यहाँ बढ़ेगी, स्कूल में आने वाला हर बच्चा इस नौजवान से प्रेरणा लेगा, और उसके मन में भी एक देश प्रेम की, देशभक्ति की, गाँव की और हमारे देश की जो सेवा करने की जागृति उसमें पैदा होगी, उसको वो सब अपने हृदय में बसा लेते हैं। वो बचपन से ही एक चीज़ को गांठ बांध लेते हैं कि हमें भी इससे भी बहादुर बनना है, ऐसी मेरी कामना है। और मैं इस गांव को, जो नौजवान लड़का हमारा जो शहीद हुआ राजेश, उसको नमन करता हूँ। उसने अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे लिए सुरक्षा पैदा की, और एक सुरक्षा का स्तंभ खड़ा हो गया जो हमारी रक्षा करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दर्शक साथियों, आपको बताना चाहूँगा, हम रात में चैन की नींद सोते हैं तो उन सैनिकों की बदौलत सोते हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा करते हैं। हमारे साथ तकदीर खरगड़ा भाई हैं। तकदीर भाई, राम राम। राम राम जी पवन। क्या कहना चाहेंगे भाई की शहादत, या गांव के साथ शहीद जिन्होंने शहादत दिया, एक कर्म भूमि, बहुत बड़ी भूमि, वो भूमि जहां से मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें सात सात शहीदों को दिए हों, और इस गाँव को शायद शहीदों के गाँव का दर्जा मिलना चाहिए। पवन जी, ये आपकी मांग बहुत जायज़ है, और इस ग्राम की, मेरा तो बड़ा गांव तो बलम्बा, अपने आप में इस बात को सिद्ध तो करता है कि ये तपोभूमि है। ये ऊपर तो वाले का आशीर्वाद है इस धरती के ऊपर हमारी, कि हमारे को देश के लिए शहीद होने के लिए इतने अवसर अपने बार बार तो प्राप्त होते हैं, और आज ये हमारे शहीद राजेश कुमार जी की ये अपना प्रतिमा अनावरण, जो कि एक शहीदी यहाँ पे स्थल के रूप में स्थापित होगा, उसका आज यहाँ पे जो भूमि पूजन हमारा हुआ, ये उस कड़ी का एक हिस्सा है जो कि निरंतर, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो हरियाणा सरकार हो, निरंतर शहीदों के सम्मान में इनका ये प्रयास तो रहता है कि किसी न किसी रूप से आज नौजवान युवाओं को इन शहीदों से भी आपकी प्रेरणा मिले, और ये ऊर्जा आए उनके अंदर कि कैसे देश के लिए समर्पित भाव इतना भारी होता है कि वो आदमी अपनी जान से भी ज़्यादा देश को अपना मानता है।
तो इस भाव के साथ में ये नौजवान, ये युवा तो बच्चे जो आज आपके सामने हैं, स्कूल के बच्चे जब ये 12वीं में आएंगे, 10वीं में आएंगे, तो इनके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत ये हमारे सारे के सारे शहीद होंगे इस तो गाँव के। तो मैं यही आशा अपेक्षा उम्मीद तो करता हूँ कि समस्त ग्राम तो वासियों के सहयोग से, हमारे तो जैसों के सहयोग से ये यहाँ पर भव्य शहीदी स्थल बने। और गांव की ये बहुत जायज़ मांग है कि इस गांव को शहीद गांव के नाम से पुकारा जाए, इलाके की भी यही मांग है, इस मांग को पुरजोर रूप से आगे भी उठाया जाएगा। धन्यवाद तकदीर भाई, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। दर्शक साथियों, सुबह शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी जब स्कूल के गेट से अंदर आएंगे तो शहीद स्थल के दर्शन होंगे और एक प्रेरणा बनेगा उनके लिए, उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, जब उनको देखेंगे कि एक शहीद को कितना सम्मान मिलता है, तो बहुत सी शिक्षाएं लेकर वो स्कूल के अंदर दाखिल होंगे और भविष्य में अच्छे सैनिक, इस देश की रक्षा के लिए अच्छे सपूत बनने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में पूर्व सरपंच मनोज, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? पवन जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जो आप ये गांव की मांगे हैं, जैसे ये भूमि पूजन है, इस तरह के प्रोग्राम को आप भाई गांव की तरफ से दिखाते हो, तो रहा ये हमारा गांव, काफ़ी बड़ा गांव, 4 पंचायत और हमारे 7 शहीद। हम भी सरकार से मांग करते हैं कि भी ऐसे 7 शहीद किसी भी गांव के नहीं हैं, हरियाणा क्या हिंदुस्तान में ही नहीं मिलेंगे। तो इन 7 शहीदों को, इन शहीद परिवार को मेरी तरफ से नमन। और जो ये शहीद स्टैचू है, ये राजेश कुमार है, मेरे परिवार से है। इसके लिए भी जो अब ये जगह चुनी है, गांव की 4 पंचायत, हमारे समाज सेवी, सरकार, सभी के सहयोग से बनेगा। तो इसमें मैं पूर्व सरपंच भाई सभी का, जो भी यहाँ डॉक्टर साहब हैं, तकदीर भाई साहब हैं, चार सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी का धन्यवाद करता। चलो, बिल्कुल सोचने योग्य बात है। एक सैनिक किसी का अपना नहीं होता, एक शहीद किसी का अपना नहीं होता, सैनिक सबका साझा होता है, शहीद सबका साझा होता है, सबको उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ में भाई सतपाल हैं, सरपंच साहब। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे भाई की शहादत और यहाँ जो भूमि पूजन किया है उसको लेकर कि कितनी अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं? पवन भाई नमस्कार। एक तो पवन भाई, कहीं ना कहीं एक बार जब दादा राजेश जी ने याद करा, दुख भी हो है, लेकिन हमें साथ साथ में गर्व भी हो है। हम ऐसे गाँव से जहाँ से 7-7 शहीद हुए हैं, हमारे गाँव के इतने बहादुर जवान, इतने जो देश की रक्षा करते हुए 7-7 भाई शहीद हो गए। और रही बात यहाँ की, यहाँ अब ये कहने लिए शब्द नहीं, हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके अच्छा से अच्छा स्मारक बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब। तो दर्शक साथियों, आपने देखा है कि पुरजोर कोशिश है एक अच्छा स्थान देने की, और उस जगह पर समाधि स्थल का निर्माण किया जा रहा है जहां राजेश कुमार वॉलीबॉल का और फुटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी रहा, तो खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छा सैनिक रहा। अब यादें हमारे बीच में हैं और यादें सदा के लिए अमर होती रहती हैं उन वीर शहीदों की जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। तो लगातार बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। एक नई डेट के अपडेट के साथ आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।